देखिए डॉक्टर डॉक्टर पंकज जी, पांडे। चिंता हम लोगों को तो खैर करना ही चाहिए, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम ऐसे पेशे से हैं जिसकी जिम्मेदारी है कि समाज में कोई भी हिस्सा हो, समाज का कोई भी तबका हो, अगर उसमें कोई गिरावट आती है तो हम लोग तो वॉच डॉग के रूप में हमें आवाज लगाना चाहिए। लेकिन दो बातें हैं इसमें, एक तो हमारे पूरे समाज का अवमूल्यन हुआ है, सिर्फ राजनीति ही नहीं, प्रशासन, पत्रकारिता, न्यायपालिका, सब जगह धीरे धीरे जो मान्य सिद्धांत हैं सार्वजनिक जीवन के, उनका शरण हो रहा है। पत्रकारिता में हम देख रहे हैं न्यूज रूम में गाली गलौज हो रही है, न्यूज रूम में जो पैनलिस्ट हैं सेना के रिटायर्ड अधिकारी गाली दे रहे हैं विशुद्ध रूप से, तो राजनीति में भी ऐसे लोग आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इससे पहले सत्ता में जो पार्टियां रही हैं या जो नेता रहे हैं, कम से कम शिखर से ऐसी उम्मीद की जाती थी कि वे इसका संरक्षण नहीं करेंगे या उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, और अब तक ऐसा हुआ है। हमारे आपके जीवन काल में हम लोगों ने इंदिरा जी से लेकर अभी तक का दौर देखा है। कम से कम देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए लोगों से या उसके बाद के दूसरे तीसरे पायदान के लोगों से कभी ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि वे खुद ऐसा काम करेंगे या ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे। अब जब स्वयं सरकार में शामिल मंत्री, आप सिर्फ इसे अपशब्द मान रहे हैं जो विशुद्ध गाली के रूप में दिया गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो देश की राजधानी में कहा वो कानून सम्मत तो नहीं था, सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक जो शालीनता है, भद्रता है, उसके भी खिलाफ था। लेकिन अदालत ने क्या कहा कि उन्होंने मुस्कुराकर कहा था गोली मारो सालों को। तो जब न्यायपालिका इस तरह के हेट स्पीच को मुस्कुराकर कहने की वजह से बरी कर दे संबंधित व्यक्ति को, तो इसे संरक्षण ही मानना चाहिए। जहां तक ये नवनियुक्त दोनों मुख्यमंत्रियों का प्रश्न है, इनके जो बयान आए हैं, एक और बयान अभी आ गया हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का जो कुछ दिन पर आना है, जिसमें वे मुल्ला मौलवियों को बता रहे हैं अगर हिंदुस्तान में रहना है तो अपने बच्चों को ये सीख दीजिए, वो दीजिए, और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, वो भी हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। लेकिन असल सवाल यह है, हाँ एक एक बहुत जरूरी उदाहरण छूट ना जाए कहीं, तेलंगाना के जो नव निर्वाचित विधायक हैं टी राजा सिंह, उनका एक वीडियो आपने ट्विटर पर अगर देखा हो, हजारों लोगों के सामने वे किस तरह अश्लील तम गालियां दे रहे हैं और लोग शोर मचा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो मैं संजय जी की बात से सहमत हूं, जब समाज को कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो कौन सा समाज था जो टी राजा सिंह के खड़े होते समय गालियां गालियां सुनकर तालियां बजा रहा था। तेलंगाना की एक महिला नेत्री का वीडियो आया है पंकज जी, अकल्पनीय है। वो महिला क्या कह रही है, भाजपा नेता है, वो कह रही है विरोधियों के लिए कि हम आ रहे हैं तुम्हारी माँ डैश 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 करने के लिए, और लोग तालियां बजा रहे हैं साथ में खड़े हुए। एक महिला, एक स्त्री से आप ऐसे अश्लीलतम शब्दों की, वो अपनी भाव भंगिमा से भी बता रही है कि वो क्या करने आ रहे हैं, उन शब्दों के साथ उसके हाथों का घुमाव उतार चढ़ाव, और समाज साथ में खड़े होकर तालियां बजा रहा है। अब बस इस पर आते हैं, इसको रोकेगा कौन, कौन इस पर अंकुश लगा सकता है? दो लोग लगा सकते हैं, या तो ये काम जो लोग कर रहे हैं उनके जो नियंता है, उनके जो भाग्य विधाता है, यानी सत्ता में बैठे हुए शिखर पुरुष, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेता, प्रधानमंत्री, या उनका जो वैचारिक संगठन है उसके मुखिया। क्या ये संभव नहीं है कि एक बार कड़क होकर ऊपर से ये कह दिया जाए कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके बाद देखते हैं कौन बोलेगा? दूसरा, समाज, समाज उन्हें खारिज कर दे ऐसे लोगों को। समाज तो खारिज नहीं कर रहा, संजय जी ने प्रज्ञा ठाकुर का हवाला दिया, भोपाल की सांसद बन गई, वे तो गांधी को गाली देती हैं, वे तो मुंबई के शहीद को देशद्रोही बता रही हैं। लेकिन हम जिनसे उम्मीद कर रहे हैं उसके लिए एक छोटी सी नीति कथा है। स्कूल में एक बच्चा था, वो बहुत गालियां देता था। शिक्षक ने कहा चलो इसके पिता से शिकायत करने जाते हैं। प्रधानाध्यापक और शिक्षक उसके पिता के पास गए शिकायत करने कि आपका बेटा स्कूल में गालियां देता है। पिताजी ने कहा अच्छा गालियां देता है, उनने अपने हर वाक्य में तीन चार गालियां और इस्तेमाल कर दी। तो प्रधानाध्यापक को लगा कि भाई चलो इसके बाप को भी गाली देने की आदत होगी, चलो इसके बाबा के पास चलते हैं, ग्रैंडफादर से उनसे शिकायत करते हैं। तो बाबा जी के पास गए, पता लगा बाबा जी उससे भी ज्यादा गालियां देते हैं। तो शिकायत का निराकरण करेगा कौन? बेटा, पिता और प्रपिता सब गाली देने वाले हैं।
ऐसे ही हमारी राजनीति है कि जो लोग गाली दे रहे हैं उनकी शिकायत आप किससे करने जाएंगे। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।